हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कृष्णा जी के लिए मॉस्किटो नेट बनाएंगे। नई तरह की मॉस्किटो नेट बना रही हूँ। एक कार्डबोर्ड का बड़े साइज़ का पीस लिया है। अब इसमें फोम को स्टिक कर देंगे और इसको फैब्रिक से कवर करना है। ये चार नंबर के कृष्णा जी को सुला सकते हैं इसमें। ये बड़े साइज़ की बना रही हूँ, ये मुझे किसी को देनी है। और इसके कॉर्नर में एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और नीचे की तरफ में ग्लू लगा के फैब्रिक को स्टिक कर देंगे। और ये पतली वाली पाइप ली है, ये आरओ वाटर की पाइप है, इसको कवर करेंगे फैब्रिक से। तो मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, चौड़े साइज़ का लेना है और इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसके दो पीस रेडी करना है, चाहें तो स्टिक भी कर सकते हैं। इसको डबल लॉक करके बंद कर देंगे। अब इसमें नीडल को उल्टा डाल देंगे, जिस तरह से डोरी बनाते हैं ना पाइपिंग की, उसी तरह से बनानी है। और इसको सीधा कर लेंगे। ये दो पीस बना लिए हैं, अब इसके अंदर पाइप को डाल देंगे। इसके पहले मैंने कृष्णा जी के लिए अलग अलग तरह की मॉस्किटो नेट बनाई है, जो बनने में बहुत ईजी है और बनने के बाद बहुत सुंदर लगती है। आप भी ज़रूर बनाएं अपने कृष्णा जी के लिए। आप देखें मेरे वीडियोस को और बनाए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। इसमें हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक को, ताकि नीचे की तरफ दबा के सिलने में इजी रहे। फैब्रिक को नीचे की तरफ दबा के सिलना है, इसलिए हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। पाइप से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है दोनों साइड में। दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिल लेंगे। अभी दूसरी वाली पाइप को भी इसी तरह से रखते हुए सिलाई करनी है। कॉर्नर में नीचे की तरफ दबा देंगे और सिलाई लगाएंगे। दूसरे कॉर्नर में भी सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। ये मॉस्किटो नेट बनाने में बहुत ही इजी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नए नए तरह के वीडियोस लाती हूँ कृष्णा जी के लिए। इसको अच्छा मजबूती से सिलेंगे ताकि निकले नहीं। अब इसको एक के ऊपर एक रख के क्रॉस में इसमें सिलाई लगा देंगे, ताकि इधर उधर ना हो, एक जगह रहे। तो ये दोनों पाइप को इकट्ठा करके सिलाई लगा देंगे। हमें नेट लिया है, नेट को नीचे की तरफ सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ से सिलाई लगाएंगे और ऊपर की तरफ छोड़ देंगे। अच्छी मजबूती से सिलाई लगानी है। इसके तीन तरफ में ही नेट को अच्छी तरह से सिल देंगे। ये सिल दिया है, नीचे की तरफ भर सिलाई लगानी है, ऊपर का हिस्सा छोड़ देंगे। सिलाई को पक्का कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे। इसको स्क्वायर शेप में कट करना है, ताकि जो पाइप का साइज़ है उसमें ये अच्छी तरह से फिक्स हो सके। ये कट कर लिया है, अब ये दूसरे तरफ में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसको हल्के हाथों से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। ये एक तरफ से ओपन हो सकेगी। अब इसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को कट कर देंगे, ज़्यादा कट नहीं करना है। ये पाइप का साइज़ लेते हुए कट करना है। ये ओपन रखा है, देख सकते हैं। ये थर्ड वाले को भी इस तरह से सिल लेंगे। अब ये जो सामने वाला हिस्सा है, इसमें एक एक इंच दोनों तरफ एक्स्ट्रा लेना है और लेंथ भी इसकी ऊपर तक ली है। अब इसको सेंटर से कट लगा लेंगे। इसमें चेन को स्टिच करेंगे। ये एक साइड में चेन को, दोनों तरफ में नेट को स्टिच करना है, क्योंकि ये सामने की तरफ से भर ओपन होगी ये नेट, इसलिए इसमें सामने की तरफ चेन लगा रही हूँ। ये सिलाई लगा ली है, अब इसको सीधा कर लेंगे। ये सीधा कर लिया है, अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ये सिलाई लगा ली है, तो ये सामने का हिस्सा रेडी हो गया। अब ये जो साइड्स के हैं, इनमें ग्लू लगाएंगे और नेट को स्टिक करते जाएंगे। खींचते हुए स्टिक करना है, ताकि ये एकदम स्ट्रेट रहे पूरा नेट। तीनों तरफ ग्लू लगा देंगे और ये जो तीनों पीसेस को हैं, इनको इसी तरह से स्टिक करते जाना है। थोड़ा ग्लू ज़्यादा लगाएंगे तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा।
ये थर्ड वाला हिस्सा है, इसको भी इसी तरह से स्टिक कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ है उसको कट कर देंगे। ये इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ, जितना भी एक्स्ट्रा हो उसको ही कट करिएगा। अब सामने की तरफ में ग्लू लगाएंगे और जो सामने वाला पीस रेडी किया है उसको स्टिक करेंगे। इस तरह से दोनों को खींचते हुए स्टिक करना है ताकि जो चेन है सेंटर में आए। अच्छी तरह से चेन में भी ग्लू लगाने के बाद में स्टिक कर देंगे। इसको ऐसा स्टिक करना है ताकि निकले नहीं। अब ये एक्स्ट्रा नेट को कट कर देंगे। दूसरे साइड से भी कट कर देंगे एक्स्ट्रा नेट को। फिर चेन जहाँ पे लगी हुई है इसमें अच्छी तरह से ग्लू लगाने के बाद में चेन को स्टिक कर देंगे। ये फ्रिल बना ली थी, ये छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए फ्रिल बनाई है। इसको बैक साइड से लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे मच्छरदानी में इसी तरह से स्टिक करना है जिससे बहुत सुंदर लगेगी। कृष्णा जी के लिए अलग अलग तरह के बेड, बास्केट, ज्वेलरी, सभी तरह की चीज़ें बनाई हैं मैंने अपने वीडियोज़ में। आप देखें मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल का नाम सिंपल क्रिएटिव के है। आप देखें मेरे वीडियोज़ को और अपने कृष्णा जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सभी तरह की चीज़ें बनाएं। चेन को खोल के अंदर की तरफ कर देंगे और ये नेट, इसकी जो नेट वाली फ्रेल है इसको स्टिक कर देंगे। नीचे की तरफ स्टिक करना है इसको, जो ऊपर वाले जो बनाए हैं हमने कर्टन्स उसमें स्टिक नहीं करेंगे, नहीं तो वो कर्टन्स ओपन नहीं होंगे। फिर इस तरह से घुमाते हुए स्टिक कर देंगे। सामने की तरफ में ग्लू लगा देंगे और स्टोन लेस को स्टिक करेंगे। जिप के ऊपर स्टिक करना है, नीचे से लेते हुए ऊपर की तरफ स्टिक करेंगे। दूसरे साइड में भी इसी तरह से स्टिक करना है लेस को। अब इसको डेकोरेट ही करेंगे, साइड्स में भी लेस लगाएंगे सामने की तरफ में और एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अभी दूसरे तरफ भी इसी तरह से लगा रही हूँ। दोनों साइड में भी इसी तरह से लेस को स्टिक कर देंगे, बैक साइड में नहीं लगाएंगे, दबाते हुए इसको स्टिक करना है। लेस को स्टिक कर दिया है, एक्स्ट्रा नेट को कट कर देंगे। ये दूसरे साइड में भी ग्लू लगाने के बाद में लेस को स्टिक कर रही हूँ। फ्रिल के वजह से लेस लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर इसको धीरे धीरे करके लगाएंगे तो अच्छे से हो जाएगी। अब टॉप पे फ्लावर्स को स्टिक करेंगे। एक फ्लावर स्टिक कर रही हूँ और जो क्रिस क्रॉस में ये पाइप लगाई है इसको भी इसी तरह से डेकोरेट करेंगे। लेस लगा के चारों तरफ लेस लगा देंगे। इस तरह से मॉस्किटो नेट बनके तैयार हैं। अब अंदर की तरफ में पिलो रख देंगे, पिलो बना लिए थे, इस तरह से इसको ओपन कर सकते हैं। ये मॉस्किटो नेट बनके तैयार है। इसको ओपन करके बता रही हूँ, कृष्णा जी को सुला के भी बता रही हूँ। इस तरह से इसको ओपन करके रख सकते हैं। आप भी अपने कृष्णा जी के लिए ज़रूर बनाएं। थैंक यू, बाय।